मोहम्मद रफी साहब, आपका सफर हिंदुस्तान से कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास समझे। तो आप अब जो आपका प्रोग्राम है उसमें आप गाने नए और पुराने लगता है सभी सुनाएंगे? ये सब पुराने गाने नए गाने सब सुनाएंगे और पब्लिक को खुश करेंगे, अपने इतनी कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, लोगों की बहुत ताकीद है आपसे कि वो आपके गाने बैजू बावरा से, शबाब से और अकबर एंथनी का वो पर्दा ही पर्दा जरूर सुनाएंगे। सब मसाले वाला काम होना चाहिए। सब मसाला, सब अच्छे गाने सुन। तो आपकी पैदाइश कहाँ हुई? पैदाइश में पंजाब में जी। की हाल है बादशाह? चंगा है, तुझे सुनाओ की हाल चाल है। पंजाब में कहाँ? पंजाब में अमृतसर जी। अमृतसर। तो आपका जो तालीम आपने हासिल की म्यूजिक में, गाने में, तो आपके उस्ताद जी कौन थे? मेरे उस्ताद थे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब। अब्दुल वहीद खान जी। हाँ जी। और गुलाम अली खान? गुलाम अली खान जी। अच्छा अच्छा, तो आपका जो पहला गाना था वो आपने कहाँ गाया? पहला गाना लाहौर में गया है, वो उसमें म्यूजिक था श्याम सुंदर जी। अच्छा। और मेरे साथ में जीनत बेगम ने गाया था। अच्छा। और पंजाबी में था गाना वो। क्या क्या बोलते रवि साहब उसके? बोलते सोनी नी हीरी नी तेरी याद नहीं आन सता।